अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने निमोनिया स्टार्ट किया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना आपने अच्छे से है। बुक में ना बहुत लंबा आपको लिखा हुआ मिलेगा, खासतौर पर अगर आप डेविडसन से पढ़ने लगेंगे। तो मैंने उसमें से जितनी मेजर और इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी इस वीडियो में, मतलब ये दो पार्ट्स बनेंगे और समराइज हो जाएंगी। इस वजह से आपने ये सारा अगर आप कर लेंगे तो आपको इवन वहां से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके अच्छा जी, तो मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स आपको बता दिए थे, सिनेरियो बना के बता दिए थे कि आपका जब ये वाली बातें आएंगी तो आपने निमोनिया करना है। अब आपको एक बात में डिफरेंस रह जाता है कि ठीक है, अस्थमा में तो आपको समझ आते थे कि वीजेस होते हैं, डिस्निया होता है, ड्राई कफ होती है, बुखार कभी कभार होता है कभी नहीं होता, कोई ना कोई आपकी एलर्जिक हिस्ट्री होती है। सीओपीडी में भी आपका बहुत सवेयर डिस्निया, ब्रेथलेसनेस होती है, और उसके साथ आपका मतलब ये वाला हाई फीवर बिल्कुल नहीं होता। ब्रोंकाइटिस आपका हमेशा पोस्ट इन्फेक्शियस आता है स्टेट में, और प्यूरुलेंट लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम और पोस्टरल चेंज होता है उसमें। अब रह जाते हैं टीबी और निमोनिया। टीबी और निमोनिया में इतना मेजर डिफरेंस है कि मैंने आपको कहा है कि हाई ग्रेड फीवर अगर आपका आ जाता है तो वो आपका निमोनिया और दो तीन दिन की हिस्ट्री, इससे ज्यादा की हिस्ट्री नहीं होगी, मैक्सिमम चार दिन की हो जाएगी, लेकिन चार पांच दो तीन दिन मतलब दिनों की हिस्ट्री से आता है तो वो निमोनिया होता है। और जो टीबी है ना आपका, भी मैं आपको बताऊंगी भी आगे कि उसमें आपका आता है कि मुझे तीन महीने दो महीने से लो ग्रेड फीवर है, मतलब हल्का हल्का बुखार रहता है और साथ खांसी है और थोड़ा बहुत सीने में दर्द है। तो पेशेंट्स की टीबी की हिस्ट्री अगर आपको और कुछ भी नहीं वो बता रहे ना, वो आपको एक सिनेरियो में सिर्फ इतना बता देते हैं वो टीबी होता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है सारी बातें, अभी तक आपको समझ तो आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं आती तो आई अगेन अगर टीबी की वीडियो बनाऊंगी तो मैं फिर आपको बताऊंगी। तो आपने ये सब कर लिया, फिर आपने जब साइंस देखने तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको डेफिनेट सी बात है कि जो एरिया जहां पर पस कलेक्टेड है, जहां पर इन्फेक्शन है, वहां पर आपको ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देंगी, तो वहां हम कहते हैं कि डिक्रीज या एबसेंट ब्रेथ साउंड होगी। अगर मेरे पास ये मेरा लंग है और ये लोबार निमोनिया था और ये लोब सारा इन्वॉल्व है, तो डेफिनेट सी बात है इस लोब में ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देंगी क्योंकि सारा कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है फुल ऑफ पस एंड म्यूकस एंड एनी अदर थिंग वट एवर, मतलब पस और म्यूकस ही होता है, इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस होता है, लेकिन एयर वहां नहीं जा पा रही, तो एबसेंट ब्रेथ साउंड होंगी उस जगह पे। आप परकशन करेंगे, परकशन जो इस तरह से आप करते हैं नॉर्मली, जब भी आप परकस करते हैं जहां पर नीचे हवा होती है वहां पर रेजोनेंट नोड आपको सुनाई देते हैं, ऊंची आवाज आती है। जहां नीचे फ्लूइड होता है वहां पर आपको डल परकशन नोड सुनाई देता है, क्योंकि उसमें आपकी नीचे आपको सोच रहे फ्लूइड है तो जाहिर है परकशन कहां जाएगा आवाज है, इस तरह तो कितनी ऊंची आवाज आती है, ये रेजोनेंट जैसी आवाज है। तो डल परकशन नोड होगा आपका उस जगह पे जहां निमोनिया है। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रीदिंग है पेशेंट की, अगर आप ब्रीदिंग सुनेंगे ना उसकी, तो वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि उसको हम कहते हैं वेजिकुलर ब्रीदिंग, और जो आपकी ब्रीदिंग होती है आपकी ब्रोंकाई की यानी ट्रेकिया की, उसको ब्रोंकियल कहते हैं, जो हार्श होती है। तो ऐसे केस में हमारे पास ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देती है हमें पेशेंट की लंग के एरिया में। ठीक हो गया जी, तो ये आपके आ जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपके पास जो आता है ना अबाउट के जो निमोनिया की स्टेजेस होती हैं कि ग्रे हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, फिर उसके बाद आता है आपका स्टेज ऑफ जो एंड में रेजोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, पहले सॉरी एक्यूट एक्सुडेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, तो वो स्टेजेस जरा सी आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपके पास क्लिनिकल फीचर्स सिर्फ डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको आते होते हैं और वो आपको समझ आ गई है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो आपका कर्ब स्कोर है। ये आपका डेविडसन में लिखा हुआ, उसमें दूसरी मैंने लिखा हुआ जो आपकी बुक है कैपलन या स्टेपअप में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आते हैं आपके एमसीक्यूज और इसमें से इवन आपका आता है एससीक्यू का क्वेश्चन। आपको कह देते हैं कि पेशेंट जो है वो बहुत मतलब आपको सपोज सिनेरियो देते हैं कि पेशेंट आपको प्रेजेंट किया है हाई ग्रेड फीवर के साथ, रेस्पिरेटरी रेट है उसका वो कह देते हैं 36 है, बीपी उसका है 80/40, और उसके साथ वो है आपका 70 ईयर्स ओल्ड मेल स्मोकर है और वो कंफ्यूजन में है। अब आप बताएं कि क्या हम इस पेशेंट को इसका डायग्नोसिस बताएं और बताएं कि उसको कहां पर मैनेज करना है हमने और व्हाई इट शुड बी मैनेज्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता होता है कि हमें इसको कहां मैनेज करने से मुराद है कि घर पे करना है, हॉस्पिटल में, ओपी नॉर्मल वार्ड में करना है या आईसीयू में करना है, और उसकी जस्टिफिकेशन भी मांगते हैं। तो वजह ये होती है कि हमारे पास ये कर्ब 65 ने हमें बताया होता है। कर्ब 65 बेसिकली ये है कि चार सिम्टम्स हम देखते हैं, कन्फ्यूजन, सी से कंफ्यूजन है, यू से यूरिया मोर देन 7 mmol/L यानी बॉडी में यूरिया रिटेन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है आपका मोर देन 30 per minute। ठीक है, ये तो मैंने 36 बताया ना, मतलब जो लिमिट है वो 30 per minute है। बीपी आपका जो लिमिट है वो 90/60 से कम होना, जो सिस्टोलिक है वो लोअर देन 90 होगा और जो डायस्टोलिक है वो लोअर देन 60 है, और एज की जो कट ऑफ वैल्यू है वो 65 या अबव है। तो अगर आपके पास एक पेशेंट है जो निमोनिया का है और उसमें इनमें से कोई, आप हर सिम्टम का एक एक स्कोर देते हैं, अगर एक पेशेंट है जिसको इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये कोई भी सिम्टम नहीं है,
सिर्फ उसकी एज जो है वो 70 साल है, तो आप कहेंगे कि उसका कर्व 65 स्कोर इज 1, ठीक है, हर किसी का 1 स्कोर है, 1 इसका, 1 इसका, 1 1 एंड 1, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है ना, उस तरह पेशेंट की मैनेजमेंट चेंज होती जाती है। अब अगर मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका इनमें से कोई निमोनिया उसे है लेकिन यंग पेशेंट है और इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, मतलब सिर्फ उसे तेज बुखार है और थोड़ा बहुत उसको दर्द हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि उसका कर्व स्कोर 0 है और वो घर पे मैनेज हो सकता है दवाइयां देके। दूसरा पेशेंट है जिसको सिर्फ इनमें से कोई एक चीज है, सपोज एज ही है उसकी 65 से ज्यादा, बाकी कुछ भी नहीं है, तो उसका कर्व स्कोर 1 हो जाएगा, तो 1 वाला पेशेंट भी घर मैनेज हो जाता है। तो 0 और 1 होगा तो घर मैनेज करना है आपने दवाइयों के साथ। अगर पेशेंट आपके पास ऐसा कोई आया जिसको इसमें से 2 सिम्टम्स कोई भी आ रहे हैं, मतलब कोई भी 2 हो सकते हैं, वो जो भी आप कॉम्बिनेशन बना लें, तो वो वाला पेशेंट आपने हमेशा हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटल में आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह या ओरल एंटीबायोटिक जो भी ठीक है वो करना है, लेकिन हॉस्पिटल की नॉर्मल वार्ड में आपने उसको अपनी सुपरविजन के अंदर मैनेज करना होता है, लेकिन नॉर्मल वार्ड में जहां पर बाकी सारे मरीज है वहां पर जिस तरह वार्ड होती है उस तरह, लेकिन आपने हॉस्पिटल में लाजमी एडमिट करना है और शॉर्ट स्टे ही होगा लेकिन करना है। अगर किसी का कर्व स्कोर मोर देन 2 चला जाता है, विच मीन्स 3 है, 4 है या 5 है, यही हो सकता है ना, तो ये आपका पेशेंट होता है जो आपका आईसीयू में एडमिशन का पेशेंट है और सिवियर इंटेंसिव केयर इसको चाहिए। ये सिवियरिटी की तरफ जा सकता है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, इसको डेथ की तरफ भी जा सकता है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान करना है। अब आपके वजह जाहिर है उन्होंने एक सिनेरियो में आपको जिस तरह शुरू में बताया कि सिनेरियो में उन्होंने दिया हुआ है कि उसका रेस्पिरेटरी 36 है, ये 80/40 है, एज 70 है, तो कर्व 65 स्कोर तो उसका हो गया ना 3 या 4, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट हम ये मैनेज करेंगे हॉस्पिटल के आईसीयू में और जस्टिफिकेशन उसकी ये है कि कर्व 65 स्कोर इज मोर देन 3, ये उसकी जस्टिफिकेशन होती है। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझ लेना, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेनी आपने। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो आपने करानी है ना, वो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो आपने सारी की सारी लिखनी जरूर होती है, हम क्लिनिकली सारी नहीं कराते होते लेकिन आपने लिखनी लाजमी होती है। ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में जाहिर सी बात है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं विद ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फेक्शन का स्टेटस बताती है और ESR देखती है, ESR भी आपको बताता है कि ब्लड की थिकनिंग और स्टेटस कैसे, ठीक है, पहली ये होगी। फिर जाहिर है आप यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, ये बहुत जरूरी होते हैं, LFTs कराएंगे, इससे पता चलता है कि आपके बाकी ऑर्गन्स में कोई हाइपोक्सिया तो नहीं और कैसा स्टेटस उनका चल रहा है। उसके साथ आपने कराना होता है पेशेंट के ABGs इससे जरूरी है कि आपको पता चले कि कहीं हाइपरकैपनिया हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा, तो ये सारे हो जाते हैं आपके ब्लड टेस्ट, ठीक है, स्प्यूटम का। फिर अच्छा ब्लड कल्चर भी करा लेंगे तो अच्छा है, आपको इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ब्लड में किस कदर फैल चुका है वो पता चल जाएगा। तो यहां तक हो गया ब्लड, स्प्यूटम आपने लेना है और स्प्यूटम का आपने कल्चर और सेंसिटिविटी कराना है, इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं होता। CS आ गया, चेस्ट एक्सरे आप करेंगे, चेस्ट एक्सरे में आपको साफ साफ पता चलेगा कि क्या ये लोबार नमूनिया है यानी किसी एक लोब में है, या ये ब्रोंको नमूनिया है जो कि मल्टीपल एरियाज में पूरे लंग में फैला हुआ है, और क्या नमूनिया के साथ आपका प्लूरा इन्वॉल्व है या नहीं, अगर प्लूरा इन्वॉल्व होगी तो प्लूरा में भी इन्फेक्शन जा चुका है, इफ्यूजन हो चुकी है, ये सारी बातें आपको चेस्ट एक्सरे बताएगा। यूरिन आपने लेना होता है और यूरिन में आपने न्यूमोकोकस को चेक करना होता है, क्योंकि अगर न्यूमोकोकल एंटीजन यूरिन में होगा इसका मतलब है कि आपका न्यूमोकोकस से आपका इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इन्फेक्शन में, तो यूरिन में आप न्यूमोकोकल एंटीजन चेक करते हैं। प्लूरल फ्लूइड आप सिर्फ तब लेते हैं जब आपको बहुत सिवियर प्लूराइटिक पेन अगर पेशेंट को है और आपको लग रहा है कि प्लूरल इफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो फिर आप प्लूरल टैप करते हैं और प्लूरल फ्लूइड को भी एग्जामिन करते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज एंड ओरोफेरिंजियल स्वैब भी नॉट ऑलवेज, लेकिन अगर होगा तो आपने दोबारा लेके उसकी भी कल्चर करा के चेक ही करना होता है, लेकिन आपने लिखनी है सारी की सारी, इसी ग्रुप में लिखनी है और ग्रुप के अंदर जो मैं बोल रही थी वो सारी लिखनी है। उसके बाद आ जाता है अब आपके पास मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में आपसे क्वेश्चन जब आता होता है ना, तो आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अब आपकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपसे वो कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने पहले बताना है कि आपका कर्व स्कोर क्या था पेशेंट का, आपके जो सिनेरियो होगा वो आपको बता देगा और उस हिसाब से आपने उसको कहां मैनेज करना है, और फिर आपने उसका ट्रीटमेंट प्लान बताना है, बस ये बताना होता है। ट्रीटमेंट प्लान में ऑक्सीजन पहले आपने लाजमी देनी है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट को कितना हाइपोक्सिया हो रहा है, एक तो आपको उसकी पेशेंट की जनरल कंडीशन बता देगी उसका हाइपोक्सिया, फिर आप ABGs कराएंगे तो आपको सैट्स जो आप चेक करेंगे उसकी नॉर्मल सेचुरेशन जो होगी वो आपको बता देगा कि पेशेंट का हाइपोक्सिया हाइपरकैपनिया कितना है, उस हिसाब से आपने उसको ऑक्सीजन देनी है। अगर जरूरत होगी तो मास्क से काफी है तो मास्क से दें, नहीं तो जो CPAP आपको होता है ना, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो होता है आपका, ये इससे आपने एडमिनिस्टर करनी है, लेकिन पेशेंट के सैट्स को आपने 92% तक मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करनी होती है। फ्लूइड थेरेपी यानी IV आप उसको नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लैक्टेट इसलिए जरूर देंगे क्योंकि पेशेंट ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया होता, उसकी हालत इतनी खराब होती है, तो आपने नॉर्मलाइज करना है सब कुछ, इसलिए आपने फ्लूइड्स देने हैं।
एंटीबायोटिक्स आर द मेन स्टे. एंटीबायोटिक्स आईवी होती है, इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रेजिमेन पूरा है, वो रेजिमेन मैं आपसे भी डिस्कस करती हूँ बाद में. अगर प्लूरल पेन है तो आपने पेन को जरूर ट्रीट करना है विद एनर्जेसिक्स, उसमें पैरासिटामोल दे देंगे. अगर कम पेन और ज्यादा है तो एनसेट्स वगैरह देंगे. फिजियोथेरेपी नॉर्मली इसमें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती इस पेशेंट्स में. अच्छा, फिर आपसे एक सवाल आता होता है कि मैं भी एंटीबायोटिक्स आपको बाद में बताती हूँ. अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नमोनिया बताएं. बुक में ये नहीं लिखी हुई, ये आपने लाजमी लिख लेनी है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है, सबसे सिंपल सी बात है, बेहतर है इट इज एन इन्फेक्शन. और अगर ये ब्लड में फैल गया तो ये किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन कर सकता है. तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लिखे सबसे पहली चीज, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस खराब हो रहा था, पेशेंट हाइपोटेंशन और शॉक में जा रहा था. दूसरी चीज होगी ब्लड में फैल गया, सेप्टिसीमिया हो गया. सेप्टिसीमिया से अगर ये हार्ट में जाएगा, एटीएल फिब्रिलेशन कर सकते हैं हार्ट को इरिटेट करके, लिवर में चला गया हेपेटाइटिस कर सकता है, ब्लड में डायरेक्ट फैलेगा, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, एक्यूट हेमोलिसिस कर सकते हैं. हार्ट में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाए, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस हो सकते हैं. पेरिकार्डाइटिस होता है हार्ट के पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डाइटिस होता है हार्ट के मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन. तो ये इसके सारे मसले मसाइल हैं. अब डिस्कस करते हैं हम इसका रेजिमेन ऑफ एंटीबायोटिक्स. हाँ जी, एंटीबायोटिक रेजिमेन, अब जहां तक बात है, देखिए हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं ना, तो मेडिसिन में अभी तक आपने शायद इससे पहले जब पैथो वगैरह पढ़ी थी तो नमूनिया में एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है इस बात पर शायद इतना गौर नहीं किया था. लेकिन अब ये वाली बात है कि हम क्लिनिकल मेडिसिन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि हमें कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे किस बंदे को देनी है, क्योंकि हमें डेफिनेट सी बात है कि फाइनल ईयर के बाद वी हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. तो अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम कैसे उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है. अच्छा, कुछ चीजें ना थोड़ी सी इस बात से मैं कहूंगी कि थोड़ी सी एट फॉल्ट आ जाती है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी मजीद डिफरेंट होती है. मतलब ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जाहिर है हमें बुकिश नॉलेज को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि वो ऑर्डर हमसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पता होगा जैसे बुक में लिखा हुआ है. लेकिन हम अगर वो ऑर्डर उस हिसाब से नहीं लिखेंगे तो हमें हो सकता है कि सही मार्क्स ना मिले, और काफी हद तक वो ऑर्डर ठीक भी है एंटीबायोटिक्स का. लेकिन विद द चेंज ऑफ एरा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के साथ साथ कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं. जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स से, हमारे पास अनकॉम्प्लिकेटेड अगर किसी को कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, यानी बिल्कुल सिंपल सा एक जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया वाला वो हुआ है, ठीक है, बहुत सिवियर नहीं है, तो हमेशा यहाँ ये कहते हैं कि आपने फर्स्ट लाइन एजेंट में एमोक्सिसिलिन देनी है. अब अगर मैं क्लिनिकल बात करूं तो एमोक्सिसिलिन आपकी, यानी पेनिसिलिन का जो ग्रुप है, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कभी भी इसको अकेला दिया जाता ही नहीं है. हमेशा ये आपकी वो जो एमक्लेव या फिर ऑगमेंटन की फॉर्म में आती है, जिसमें इसके साथ हमने वो चीज डाली भी होती है जो कि इसकी रेजिस्टेंस को खत्म कर देगी, ठीक है. अगर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस इसके खिलाफ, मतलब बैक्टीरिया अगर इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने वाला है जो हमने डाला होता है बीच में इसका सब्सटेंस, उसके साथ हम देते हैं जिसको हम कोएमोक्सिक्लेव कहते हैं, क्योंकि हमने उसमें दो चीजें डाली हुई होती हैं. तो लेकिन आपने भी लिखना इसी तरह से, बिकॉज जाहिर है वी हैव टू फॉलो सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर बुक. लेकिन ये बात आपने जहन में भी रखनी है, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन एजेंट अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए आपने पेनिसिलिन से स्टार्ट करना होता है, एमोक्सिसिलिन देंगे, और एमोक्सिसिलिन की डोज हमेशा होती है 500 मिलीग्राम थ्री टाइम्स डेली अडे, एक दिन में तीन दफा देनी होती है, ठीक है. अगर हमारे पास पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है, क्योंकि अक्सर लोगों को होती है, आपने पहले पूछ लेना होता है या फिर वो मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपने फौरी तौर पे चेंज करके मैक्रोलाइड्स पे आ जाने. बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक्स में आपने अभी इन्हीं दो ग्रुप्स में रहना है. अगर अनकॉम्प्लिकेटेड आपका सीन, आपने या पेनिसिलिन देनी है या आपने मैक्रोलाइड ग्रुप देना है. मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन थी हमारी, ठीक है. तो आपकी जब भी ये वाली आती है तो आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन आप याद रखना 500 मिलीग्राम दिन में दो दफा लेते हैं, यानी सुबह शाम. एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिन में चार दफा ली जाती है, ओरल डोज की बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है. ये दे देनी है पेशेंट को अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है. अगर पेशेंट में हमने देखा है कल्चर किया तो स्टेफोरियस मिला है, स्टेफोरियस क्योंकि अक्सर औकात ज्यादा थोड़ा सा सिवेरिटी की तरफ ज्यादा नजर आता है, तो फिर हमने दो एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में देनी है. हमने एक पेनिसिलिन भी दे देनी है और एक एरवो भी दे देनी है मैक्रोलाइड, और दोनों आईवी रूट से देनी है. वही वाली बात है, क्लेरिथ्रोमाइसिन की डोज वही होगी 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, और जो ये वाली है फ्लुक्लोक्सिसिलिन इसकी डोज होती है 1 ग्राम फोर टाइम्स डे, मतलब काफी सारी डोज होती है इसकी भी. तो ये हमने इसलिए स्टेफ ऑरियस जब इन्फेक्शन में हमें कल्चर होगा तब हमने देना, और इस वजह से क्योंकि स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन ज्यादा सिवेरिटी शो करता है अक्सर. अगर हमारे पास इन्फेक्शन में एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा, लिग्योनेला या कोई और एटिपिकल ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली एटिपिकल में माइकोप्लाज्मा, लिग्योनेला ज्यादा मिलते हैं हमें, तो हमने क्या करना है कि हमने क्लेरिथ्रोमाइसिन तो देनी ही देनी है, उसी तरह 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली. उसके साथ हमने रिफैम्पिसिन ऐड करनी है, क्योंकि रिफैम्पिसिन जो आपकी एंटी बेसिकली ट्यूबरकुलस ड्रग्स में से एक है, ये आपकी इन एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ अच्छी जाती है, ठीक है. तो सिंपल में ये या ये, जब स्टेफ ऑरियस है तो ये दोनों, और जब आपके पास है एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स तो ये दोनों. फिर अगर आपके पास सवेयर हो जाता है, ये तो हमने कहते हैं सिंपल सा सारा का सारा, अगर है ही सवेयर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया तो फिर आपको कॉम्बिनेशन किस किस का देना है, फिर आपने इन सबको इस तरह कंबाइन करना है
कि आपके पास एक पेनिसिलिन भी आनी चाहिए, एक आपके पास मैक्रोलाइड भी आनी चाहिए, एक आपने सेफलोस्पोरिन के ग्रुप में से भी ऐड करनी है। सेफलोस्पोरिन वो जो होती थी सेफ्टेजिडीम और सेफोटेक्साइम यानी थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, और उसके साथ साथ आपने अगर जरूरत पड़ती है तो एमोक्सिसिलिन वाले ग्रुप में को एमोक्सिक्लेव वगैरह देनी, और सारी आईवी रूट से देंगे। डोजेस सेम रहती है, अगर को एमोक्सिक्लेव होगी तो 1 से 2 ग्राम्स आपने 3 टाइम्स डेली दे देनी है। क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg ट्वाइस डेली देनी है। सेफलोस्पोरिन में से अगर आपने जैसे सेफ्रोक्साइम चूज किए तो वो भी इस तरह के 500 mg 3 टाइम्स डेली आप कर लेते हैं। तो मतलब इस तरह से आपने डोजेस, लेकिन आपने फिर ज्यादा कॉम्बिनेशन देना होता है ताकि आपकी सवेयर इन्फेक्शन से आप ट्रीट कर सके उसको, क्योंकि सवेयर में ना अक्सर उगात या तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं या एक से ज्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। तो उसमें आपने फिर वाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ज्यादा एरिया को कवर करती होती है, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को, वो आपने लेनी है। सो यहाँ पर एक बात करूंगा, किसी कोई मसला हो के नास्क में। थैंक यू।